मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी के नाम पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कमलनाथ द्वारा पेनड्राइव जारी करने पर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल किया कि उनके मुख्यमंत्री रहते सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी पेनड्राइव भी तो जनता के सामने होनी चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। किसान कर्ज माफी के नाम पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पेन ड्राइव दिखाने पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो आरोप कमलनाथ के ही मंत्रियों और अन्य नेताओं ने लगाए थे उन भ्रष्टाचारियों की पेन ड्राइव जनता के सामने लेकर आए। कमलनाथ बताएं कि भ्रष्टाचार का पैसा क्या सोनिया गांधी या अन्य नेताओं को जाता था? वे अपनी सरकार के भ्रष्टाचार की पेन ड्राइव दिखाएं। क्या जिसके अंदर आपके मंत्रियों ने कहा था भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, 287 करोड़ रुपए निकले थे, कितने निकले थे? 280 करोड़ रुपए निकले थे ना आपके, जो बर्दहस्त आपकी सरकार में छापा पड़ा था, जरा उसका भी पेन ड्राइव दे दो। कहां से आए थे उसका भी पेन ड्राइव दे दो कमलनाथ जी, कि आपने अधिकारियों के ट्रांसफर उद्योग चलाया था उसमें कितना पैसा कहां से आया था। और उमंग सिंगार ने और गोविंद सिंह जी ने जो आरोप लगाया था, आपके मंत्री थे आपकी सरकार के कमलनाथ जी, उनका भी पेन ड्राइव दे दीजिए कि पैसा ऊपर तक जाता है, यानी सोनिया जी या कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री थे तो उसके भी पेन ड्राइव दे दीजिए। ये मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और मध्य प्रदेश की जनता बहुत संवेदनशील भी है। ये सब जानती है कि आपने किस प्रकार से छल कपट हर प्रकार से लोगों के साथ किया, वो किसान नौजवान माताएं बहनें गरीब सबके साथ। इसलिए आपके पेन ड्राइव की जो और चीजें मध्य प्रदेश को चाहिए उनको भी सौंप दो। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी के डाटा को लेकर एक पेन ड्राइव दिखाया था जिसमें दावा किया गया था कि करीब 26 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया गया है। कांग्रेस के उस दावे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सवाल करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में देश की सबसे बड़ी झूठ मंडली काम कर रही है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में एक इस देश की सबसे बड़ी झूठ मंडली है जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए झूठ बोला था। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी झूठ बोला था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। कमलनाथ जी, यह पेन ड्राइव के अंदर आपने जो सूची और इसकी आप जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के 200 रुपए के, 1000 रुपए के, 2000 रुपए के किसानों के कर्जे माफ किए हैं। जहां चुनाव थे वहां कर्जे माफ करने चले गए थे आप, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर लाखों किसान जो आपने कहा था बिना शर्त के 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ होगा, जरा बता दीजिए कितने किसानों का कर्जा माफ किया? एक और एक पेन ड्राइव और सौंप दो। अरे वो काय के फोन नंबर देंगे और क्या वो बताएंगे? ये मध्य प्रदेश की जनता आपको 15 महीने के अंदर आपने उसने देख लिया ना कि आप एक किसान के गाँव में नहीं गए कहीं, वल्लभ भवन में आप बैठे रहे और वल्लभ भवन से बैठ करके आप ये पेन ड्राइव बनाते रहे और शराब के और रेत के ठेकेदारों के साथ आप डील करते रहे, और आपने क्या किया? ये मध्य प्रदेश के लोग बेहतर जानते हैं और उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जो आपका अंतरकलह अंतर्द्वंद था उसको, मध्य प्रदेश को गरीबों के हितों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 3 महीने के अंदर वो करके दिखाया है जो आपने 15 महीने में बर्बाद किया था। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए किसान कर्ज माफी में शामिल किसानों की सूची को लेकर एक पेन ड्राइव जारी किया था जिसमें उन किसानों के नाम थे जिन्हें कर्ज माफी का फायदा मिला है। लेकिन अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से कमलनाथ सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार की पेन ड्राइव दिखाने की मांग की है। सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ भोपाल।